लगभग छह महीने से ट्रैवल एजेंट्स का बंद कमीशन फिर से मिल सकता है। डीजीसीए ने एजेंट कमीशन ना देने वाली एयरलाइंस से जवाब मांगा कि वो क्यों ट्रैवल एजेंट्स को कमीशन नहीं दे रही है। डीजीसीए ने एयरलाइंस से दूसरे देशों में एजेंट्स को दिए जाने वाले कमीशन का भी ब्यौरा मांगा है। कमीशन बंद होने से परेशान ट्रैवल एजेंट्स को फिर से उम्मीद जगी है। इस बार सरकार ने कमीशन बंद करने पर ऐतराज जताया है। देश में नागरिक उड्डयन की रेगुलेटरी संस्था डीजीसीए ने एजेंट कमीशन बंद करने वाली सभी एयरलाइंस से कारण बताने को कहा है। डीजीसीए ने एयरलाइंस से पूछा है कि कमीशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये आईएटा समझौते के खिलाफ है। डीजीसीए ने ये भी पूछा है कि एयरलाइंस को मिलने वाली सुविधा के लिए यात्री ट्रांजैक्शन फीस क्यों दें। इसके लिए डीजीसीए ने एयरलाइंस को 10 दिन का वक्त दिया है। हमारे कई महीनों की तपस्या के बाद इन्होंने रियलाइजेशन, हमें बड़ी खुशी है कि इन्होंने ये करी है और हमें पक्का आइडिया है कि इसका मुद्दा का रेजोल्यूशन रिजॉल्व करके डीजीसीए हमें हाथ में देगी। दरअसल कमीशन बंद करने के विरोध में ट्रैवल एजेंट्स ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने डीजीसीए को मामले की जांच करने को कहा है। फिलहाल सभी घरेलू एयरलाइंस पूरा किराया पर 3% कमीशन देने लगी हैं, जबकि 15 विदेशी एयरलाइंस अभी तक अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं। एयरलाइन जो कमाई कर रही है वो अपनी कमीशन में से दे, अपने बाकी खर्चे कम करे एयरलाइंस। बाकी खर्चे तो 5-स्टार होटलों से कम और बाकी खर्चे सब एयरलाइंस इवन करे जा रही है दबा के। किसी भी एयरलाइंस ने अब तक डीजीसीए को अपना जवाब नहीं भेजा है। डीजीसीए के आगे की कार्रवाई एयरलाइंस के जवाब पर ही निर्भर करेगा। सिद्धार्थ शेखर, जी बिजनेस, दिल्ली।